आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। हरदोई के श्री राम जानकी मंदिर में चल रही श्री राम कथा के छठे दिन अयोध्या धाम से पधारे कथाव्यास शुकनंदन शरण महाराज ने कथा का शुभारंभ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्मोत्सव पर बधाई गीत से शुरू किया। इसके पश्चात भगवान श्री राम सहित चारों भाइयों के नामकरण संस्करण का प्रसंग सुनाकर समाज के लोगों को नामकरण करने की विधि बताई। कथाव्यास ने आज की युवा पीढ़ी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र गुरुग्रह पढ़न गए रघुराई अल्पकाल विद्या सब पाई के माध्यम से संदेश दिया कि माता पिता के विश्वास को कायम रखते हुए पढ़ाई करनी चाहिए। कथा में पहुंचे बिलग्राम मल्लाबा विधायक आश्रित सिंह आशु श्री राम जानकी मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष राकेश अग्रवाल ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के मंडल अध्यक्ष अतुल कपूर को कथाव्यास ने व्यासपीठ से अपना आशीर्वाद प्रदान किया। श्री राम कथा में महाराज श्री के द्वारा गाए गए श्री राम जी के भजनों पर श्रद्धालु व कथा प्रेमी मस्ती में परमानंद की अनुमति करते हुए झूमते रहे। कथा के पूर्व में श्री राम कथा समिति के सदस्य मधुरिमा व ब्रजेश अवस्थी की वैवाहिक वर्षगांठ पर व्यासपीठ से कथाव्यास ने उनके जीवन के सुखमय मंगल जीवन के लिए आशीर्वाद दिया। श्री राम कथा में हारमोनियम व्यास अनुराग तिवारी बेंचो वादक शिवजी सहयोगी व्यास चंचल तिवारी तबला वादक गोविंद पाठक काशी से पधारे आचार्य नारायण दत्त पांडे आचार्य राहुल दीक्षित व विशेष सहयोगी प्रकाश त्रिवेदी बहुला ने किया। आरती में प्रमुख रूप से शामिल होने वालों में सवाजपुर विधायक प्रतिनिधि रजनीश त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार व समाज सेवी अरुणेश वाजपेयी श्री राम कथा समिति सदस्य अलका राजेश तिवारी दीपिका मनीष तिवारी ममता अंतर्यामी वाजपेयी सीमा प्रदीप त्रिवेदी अर्चना संदीप त्रिवेदी सीमा जलज वाजपेयी आनंद गुप्ता ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अखिलेश सिंह सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। लेकिन विद्या ग्रहण करने के आड़ में कोई गलत कार्य करिए श्रेष्ठतम बात नहीं है। आजकल के माता पिता कितने खून पसीने से अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, स्वयं भूखे रहते हैं, स्वयं वह सुख नहीं भूलते, लेकिन क्यों? मेरा बच्चा सबसे बड़ा पद प्रतिष्ठा स्थान प्राप्त है। बच्चे क्या करते हैं? नाम बांटे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, कहा लंदन सिटी, और कर क्या रहे हैं? मोबाइल नंबर एक का होना चाहिए, कुछ कभी कपड़े की दाम नहीं होनी चाहिए, इंडेवर गाड़ी होनी चाहिए, और जेब में हरदम 10,000 रुपया रहे कि हम कौन बात पड़े थोड़ा सका फेंकता। ये पढ़ाई आज की चल रही है, आज का कल्चर है। एक बार सोचिए, जिस समय से आपके माता पिता गुजर रहे हैं वह समय आपके भी ऊपर आएगा, तब रोए आंस नहीं गिरेगी माई बाप। जैसा आप अपने माई बाप के साथ करिएगा वैसा आपके साथ जरूर होगा, गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि सुख और दुख ये भगवान के यहां नहीं मिलते, यहीं मिलते हैं। जो आप करेंगे, जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको यह फल मिलेगा। निवेदन है, माता पिता का दिल कभी मत दुखाइए। जो अपने माता पिता का दिल दुखा करके इस जीवन में जीवन यापन कर रहा हूं, कहीं का नहीं रह रहा है मेरी बात। नवयुवक भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि जिस कार्य से आप बाहर गए हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए, वह कार्य सुदृढ़ निश्चय से करके आइए, कुछ पद प्रतिष्ठा कमा के आइए। सोचिए, जब अखबार में यह सीन आता है कि पिता रिक्शा चलाता था, रिक्शा चला चला करके बच्चे को डीएम बना दिया, तब उस पिता का और समाज का सीना कितना चौड़ा होता है। वाह, वो पिता कितने भावुकता में रहता है कि आज मेरी सारी कमाई मेरे बच्चे ने एक साथ ली। और जो बच्चे जीवन माता पिता से पूछते हैं कहा होगा, अ तो पढ़त है का कोचिंग ये तो के चलत बत मय थे, और बैठक कहा हुए बोल दिख रहे थे पार्क, पार्क में बैठे हुए हैं, आगे क्या कर रहे हैं आप सभी लोग जान लिया। आज कल के लोग भोग की क्या बात है, अपने माता पिता को नहीं पूछते कि माता पिता भोजन किए कि नहीं किए, दुई रोटी मिले से मतलब वा एसी कमरा में सपरेट हो जाए से मतलब वा दुनिया कहां चल रही से मतलब ना।
भोजन घर में कुछ भी बने पहले ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। कितने लोगों के घर में भोग लगता है ठाकुर जी को बताइए, बड़े दुर्भाग्य की बात है, इतना कम हाथ उठ रहा है। हमारा सनातन धर्म कितना झुकते चला जा रहा है। लेकिन एक बात बता दे रहा हूं, कितनों लोग इसको झुका दें मगर ये झुकने वाला नहीं है, ये सर्वदा श्रेष्ठ रहा है और श्रेष्ठ रहेगा। कितनों झुकाइए, अभी आप सबको पता चला होगा ज्ञान पापी मस्जिद का मैटर है, काशी विश्वनाथ वाम पंथियों ने शिवलिंग में छेद किया है, 63 इंच का छेद किया है। उसके बाद उसको बताया जा रहा है कि नीचे से फुवारा निकल रहा है, लेकिन बाबा भोलेनाथ चोर के सरदार ना है वो। वकीलों ने जजों ने कहा चलिए जी फुवारा चलाइए गए तो कहे फुवारा चलवे नहीं रहा, जब फुवारा हुए तब चले ना। सोचिए हमारे धर्म को हटाने के लिए गिराने के लिए कितने वामपंथी लगे हुए, मगर हमारा धर्म गिर नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ है, अनंत काल से चलता चलाया रहा है। कितनों इसको गिराइए, गिरने वाला नहीं है। और जितने लोग हमारे सनातन धर्म के पीछे लगेंगे गिराने की, आज बता दे रहा हूं कथा कहीं हो रही है, पूजा कहीं हो रहा है, उसमें भेद मत निकालिए, गलती मत ढूंढिए, नहीं तो कहीं के नहीं रह जाइएगा। रामचरितमानस गा रहे हैं, महाराज इस चौपाई को छोड़ दिए, महाराज यहां से ऐसा बोल दिए, महाराज कहां से बोल रहे हैं, ये रामचरितमानस कोई गा नहीं सकता है माई बाप। क्यों? नाना भाती राम अवतार सकता है, मगर रामचरितमानस का भाव नहीं पाया जा सकता है। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।